नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। साथियों, वर्तमान की कुछ खास खबरें हैं। हाल ही के अंदर कुछ वैकेंसीज हैं, कुछ जिलों की वैकेंसीज हैं, शिक्षक भर्ती है, लेकिन पूर्णतया इसे शिक्षक भर्ती भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल हाल ही के अंदर सरकार के द्वारा जारी किया गया एक विज्ञापन, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कितने पद हैं इसमें, किस प्रकार से रिक्तियां हैं, कैसे आवेदन करना है, क्या योग्यताएं हैं, सारी बातें प्रॉपर तरीके से आपके मध्य में साझा करेंगे। यूपी के अंदर की ये वैकेंसी है और कहीं ना कहीं कहा जाए छात्रों को इस वैकेंसी का वेट भी काफ़ी बेसब्री से रहता है। प्रॉपर तरीके से चर्चा करेंगे। जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। अब अपडेट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर एक नोटिस आप देख पा रहे होंगे, 20/9/2024 की डेट में ये नोटिस जारी हुई है, यानी कि अभी 20 सितंबर को ये नोटिस जारी हुई है। कहाँ से, तो निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ। दरअसल रिसेंट में ही आंगनवाड़ी के अंदर वैकेंसीज की घोषणाएं हुई, यानी आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए वैकेंसीज की घोषणा हुई। कितने जिलों में हुई, कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन आवेदन के पात्र हैं, पहले हम नोटिस को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सारी बातें क्लियर होंगी। यहाँ पर हम देखेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में। यहाँ पे आप देखेंगे उपयुक्त विषयक संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या इतने इतने दिनांक 3 सितंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें विभाग में मैन पावर की अत्यधिक कमी है, जिस कारण योजना के कार्यान्वयन में अत्यधिक कठिनाइयों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या इतने इतने दिनांक 21/3/2023 के उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए 44 जनपदों से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया हेतु समय सारणी निर्धारण करने हेतु भर्ती की कार्यवाही एवं जिन 31 जनपदों में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है, उनकी भर्ती प्रक्रिया हेतु भी समय सारणी निर्धारित करते हुए भर्ती की कार्यवाही मिशन मोड पूर्ण कराने हेतु अपेक्षा की गई है। उपयुक्त निर्देश के पालन का अवगत कराना है कि आंगनवाड़ी भर्ती पोर्टल, यहाँ पे आप देख लें upaanganwadibharti.in के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री चयन की कार्यवाही सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत मिशन मोड में पूर्ण कराने के लिए समय सारणी का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर प्रक्रिया का विवरण कैसे कैसे यहाँ पे चयन होगा उसका हम देखेंगे। पहला, OTP के आधार पर पोर्टल पर ब्रॉड सीट जनरेट करना, 15 दिन के अंदर में अवधि दी गई है। फिर उसके बाद शासनादेश में दी गई व्यवस्था अनुसार मेरिट के आधार पर चयन की प्रक्रिया, ये 7 दिनों के भीतर। फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पर पद पर चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों को डाउनलोड करने का अभिलेखों एवं भौतिक सत्यापन, अब यहाँ पर ये भी 15 दिन के भीतर में होगा। फिर चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र भर्ती पोर्टल पर तैयार करना, ये 7 दिनों में होगा। फिर इसके बाद कुल अवधि अगर हम टोटल गिने तो 44 दिन के अंदर अंदर ये पूरी भर्ती करा लेनी है। प्रक्रिया का विवरण अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखें रिक्तियों को पोर्टल पर फीड करने के उपरांत चयन समिति के अध्यक्ष को से अनुमोदन प्राप्त करके विज्ञप्ति प्रकाशित करने की कार्यवाही, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या सहायिका के आवेदन पत्र पर आमंत्रित करने हेतु, फिर OTP के आधार पर, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। टोटल पूरी प्रक्रिया अगर हम टोटल कैलकुलेट करें विज्ञापन जारी होने से लेकर भर्ती तक, तो 72 दिनों की प्रक्रिया होगी और विज्ञापन जारी होने के बाद 44 दिनों की प्रक्रिया होगी। पूरी तरह से मेरिट बेस्ड वैकेंसी होगी, आपकी मेरिट के आधार पर चयन होगा। अभी तक कभी भी आंगनवाड़ी के लिए परीक्षा नहीं कराया गया है, तो अभी भी परीक्षा नहीं होगा। यह आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी होती है। अभी हाल ही में यहीं पर सेम पदों पर वैकेंसी निकाली गई, लेकिन नाम चेंज था, नाम था एजुकेटर। ECCE के पदों पर 10,686 वगैरह ऐसे कुछ वैकेंसी निकाली गई थी। अब सेम उसी तरह आंगनवाड़ी की भर्ती निकाली गई है, वेतन वगैरह सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। जो भी इच्छुक छात्र हैं आप आवेदन कर सकते हैं, सारी चीज़ें ठीक है और हो भी सकता है। अब तो आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी में बदला जा रहा है, तो हो सकता है आगे सरकार विचार करे और इन्हीं को उसमें स्थायी करने का सबसे पहला प्लान करे। अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती थी, तो यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती के अभी कोई आसार नहीं है, लेकिन अभी 1 से 1.5 घंटे में एक प्रॉपर वीडियो आ रही है जहाँ पे आयोग की बैठक के बाद में कुछ घोषणाएं हैं, कुछ चर्चाएं हैं, उन्हें उस प्रॉपर वीडियो के माध्यम से करूँगा। तब तक के लिए जो जानकारी थी मैंने आपके मध्य में साझा की। वीडियो प्रॉपर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।